हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप टीवी देख रहे हैं, यह टीवी स्टार्ट है और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है कि इसका पिक्चर जो है डिम है, इसमें लाइट बहुत कम हो गया है। और दोस्तों इस टीवी का एक वीडियो हम पहले बना के अपलोड किए थे और लास्ट में आते आते पिक्चर हमारा डिम निकला था। तो पहले वाला वीडियो में प्रॉब्लम था कि इसमें जो था दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन था और दोनों साइड से एक एक इंची कम था और बाएं से दाएं एक लाइन था मरकरी की तरह। तो वह फॉल्ट हम बनाए थे और जब वह फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया था तो जब फुल स्क्रीन हमारा टीवी हुआ था तो दोस्तों इसमें पिक्चर डिम का प्रॉब्लम था। तो हम बताए थे कि अब आपको हम अगले वीडियो में इस फॉल्ट का डिटेल आपको बताएंगे और बनाकर दिखाएंगे। तो वही दोस्तों हम बना रहे हैं और इसमें दोस्तों चाइना किट लगा हुआ है। ऐसे इसको कैबिनेट दोस्तों सैमसंग कंपनी का दिखाता है। देखिए यहाँ IP2133 इसका मॉडल नंबर है, लेकिन दोस्तों इसमें चाइना किट लगा हुआ है। इसमें 8873 6PR6 IC है। तो फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें IC प्रॉब्लम था, मेन IC से इसका दिक्कत था। तो वह दोस्तों हम बना दिए हैं, यह प्रॉब्लम हमारा सही हो गया। तो अब दोस्तों हमको पिक्चर डिम का प्रॉब्लम बनाना है। तो चलिए आपको DTH स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो DTH हम स्टार्ट कर दिए हैं और देख लीजिए, और कहीं कहीं दोस्तों धब्बा की तरह इसका कलर जो है धब्बा आ रहा है, लाल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यही दोस्तों इसका पिक्चर है। और ऐसे पिक्चर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा धब्बा टाइप के कलर दिख रहा है। शायद आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये हमें पता नहीं। चलिए कुछ और आपको चैनल दिखाते हैं, और कोई भी चैनल हम ज़्यादा देरी आपको चला के नहीं दिखाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट का क्लेम देगा। देखिए दोस्तों इसमें लाल जो है ज़्यादा दिखा रहा है और पिक्चर हमारा धब्बा टाइप की है। देखिए, और पिक्चर भी हमारा डिम है। ठीक है, इसमें एक प्रकार का चमक आना चाहिए था, वह चमक दोस्तों नहीं है। तो इसी को दोस्तों हम बनाएंगे। ठीक है, इसको लोग दोस्तों हम लोग शैडो प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो टीवी को चलते हैं पीछे और इसको बनाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीवी को बंद कर लेते हैं। तो DTH हम बंद कर दिए हैं और टीवी भी बंद करेंगे और पीछे चलेंगे और देखेंगे कि आखिर इस टीवी में प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों हम टीवी के पीछे आ गए हैं और अब चलिए आपको फॉल्ट बताते हैं कि ऐसा फॉल्ट आता है कहाँ से। तो ऐसा फॉल्ट दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन से आता है, और कौन सा पार्ट को ख़राब होने के चलते दोस्तों ऐसा शैडो का प्रॉब्लम या पिक्चर धब्बा या कलर जो है प्रॉब्लम आता है, तो चलिए हम चेक करके दिखाते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए पर टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आप ऐसा टेक्निकल वीडियो आप हमेशा देखते रहें। ठीक है दोस्तों, यह जो टीवी का प्रॉब्लम है पिक्चर डिम का, वह प्रॉब्लम दोस्तों ESD के नीचे जो प्रीसेट रहता है, यहाँ देखिए यह प्रीसेट है, इस प्रीसेट को घुमाकर दोस्तों हम लाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों बढ़ाने पर रिट्रेस लाइन आ जा रहा है और पिक्चर साफ नहीं आ रहा है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम टीवी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम टीवी को स्टार्ट कर दिए हैं और टीवी भी हमारा सही स्टार्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों हम इसका लाइट बढ़ाते हैं, जैसे ही हल्का बढ़ाते हैं तो देखिए दोस्तों रिट्रेस लाइन स्क्रीन पे आ जा रहा है, हल्का रिट्रेस लाइन दिखा रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों रिट्रेस लाइन, यही पतला सा रिट्रेस लाइन आ रहा है। ठीक है, और पिक्चर हमारा क्लियर नहीं आ रहा अभी भी दोस्तों, आपको कैमरा में साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और आपको कैमरा में साफ नहीं दिखेगा तो आपको थोड़ा विश्वास कम होगा दोस्तों, इसलिए आप स्थिर से इत्मीनान से देखिए, यह प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें माइनर हल्का प्रॉब्लम है इस टीवी में। तो चलिए DTH को अब कर लेते हैं स्टार्ट और पिक्चर के साथ दिखाते हैं आपको रिट्रेस लाइन, और इसका पिक्चर का लाइट घटा बढ़ा के दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम सीरीज में चला रहे हैं, तो देखिए ज़्यादा बढ़ाने पर पिक्चर जो है दोस्तों धुंधला हमारा हो जा रहा है, और इसको कम करने पर दोस्तों पिक्चर कुछ साफ हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा शैडो का प्रॉब्लम आ जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चपचे टीवी को बंद करते हैं और इसको प्रॉब्लम को चेक करेंगे। तो दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन से, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन से वह भी आता है जो हीटर का जो वोल्टेज निकलता है हमारा, उससे एक वोल्ट और अलग सप्लाई दिया जाता है हीटर से ही और अलग जाता है IC को, उसको दोस्तों हम AFC का प्रॉब्लम कहते हैं, AFC वोल्टेज कहते हैं। चलिए आपको नाप के दिखाते हैं कि वह वोल्टेज कहाँ है और कौन कौन से पार्ट लगे हुए रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों
ये हमारा दोस्तों हीटर का है कनेक्शन पिन, और ये वाला AVL है और ये 180 वोल्ट है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम हमारे समझ से इसी में है। और यह दोस्तों बहुत दिन से टीवी रखा हुआ था, तो दोस्तों हो सकता है कोई पार्ट इसका जंक लग कर और ख़राब हो गया हो। तो यह सप्लाई दोस्तों देखिए यहाँ आया, और यहाँ के जरिए दोस्तों यह प्रिंट द्वारा होकर यहाँ और रेजिस्टेंस से यहाँ, और यह सप्लाई दोस्तों हमारा आ गया यहाँ, और यहाँ से दोस्तों यह 180 वोल्ट और हीटर की सप्लाई और यह सारा जो है दोस्तों हमारा पहुँच गया यहाँ पर पिक्चर ट्यूब के बेस के ऊपर, जो किट लगा हुआ रहता है वीडियो सेक्शन यहाँ पर आ गया। तो हम दोस्तों AVL और यह पार्ट AVL में तो हमारा प्रॉब्लम है नहीं, तो हम प्रॉब्लम चेक करेंगे दोस्तों। यह देखिए 180 वोल्ट की जो सप्लाई है इसमें, और हीटर के जो AFC प्रोब सप्लाई निकल कर जा रहा है इसमें, इसी AC दोनों में से कोई में दोस्तों हमारा खराबी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वोल्टेज नाप कर दिखा देते हैं, आप इत्मीनान से वोल्टेज देख लीजिए। और दोस्तों किसी प्रकार के आपका कोई मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो TV को हम स्टार्ट कर दिए हैं, और दोस्तों अब देखिए यहाँ पर 180 वोल्ट जो हमारा सबसे पहले निकलता है, तो देखिए यहाँ पर 106, और यहाँ से जब डायोड लगा, और डायोड लगाने के बाद दोस्तों हमारा फिल्टर कंडेंसर लगा, उसके बाद दोस्तों यह 180 वोल्ट की सप्लाई बनता है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए दोस्तों 179 यानी 180 वोल्ट, यह दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों दिखाते हैं यह AFC वाला वोल्टेज, हीटर का जो वोल्टेज, तो इसमें दोस्तों AC सप्लाई रहता है, तो हमको मीटर को AC मोड में सेट करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सप्लाई देखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर सप्लाई दिखा रहा है 3.9, ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा भी सप्लाई आ रहा है। अब दोस्तों हम इसमें नहीं चेक करेंगे, हीटर में प्रॉब्लम हमारा नहीं है, हमारा प्रॉब्लम इसी में है, तो हम इसी से रिलेटेड दोस्तों इसको चेक करेंगे। तो ऐसे होते हुए दोस्तों यह आया है, तो यह हमारा दोस्तों यह देखिए यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर PF लगा हुआ है, और एक जेनर डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस जेनर डायोड को दोस्तों हम चेक करते हैं, सबसे पहले तो सप्लाई बंद कर देते हैं TV को, और जेनर डायोड को कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर जेनर डायोड ठीक होगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू बताएगा। तो ये दोस्तों हमारा जेनर डायोड का वैल्यू कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, मीटर में किसी भी प्रकार का कोई हरकत हमारा नहीं हो रहा है। चलिए डायोड निकाल कर चेक करते हैं, यही दोस्तों डायोड लगा हुआ, ओ दोस्तों देखिए यही दोस्तों जेनर डायोड लगा हुआ है। तो इसको देखिए दोस्तों यह जंक लगकर टूट गया है, इसका पिन जो है कनेक्शन पिन है टूटा हुआ है, देखिए एक पिन, और यह पूरी तरह दोस्तों हमारा टूटा हुआ है। ठीक है, आपको नज़दीक से दिखाते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका सारा जो है पिन कनेक्शन सड़ गया है और सड़ कर टूट गया है। तो इसके जगह पर दोस्तों हम नया जेनर डायोड लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यह न्यू जेनर डायोड है, और हर जेनर डायोड में दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इस जेनर डायोड में भी नेगेटिव पॉजिटिव है, आपको हर वीडियो में बताते हैं, इसमें भी दोस्तों बता देते हैं। ये जो काला धारी देख रहे हैं यह पॉजिटिव है, और ये लाल साइड वाला दोस्तों नेगेटिव है। तो चलिए दोस्तों इसको मीटर से नाप के भी दिखा देते हैं आपको, ये रहा मीटर कंटिन्यूटी मोड में, और यह देखिए दोस्तों एक साइड से दोस्तों इसका मीटर शो करता है, इधर से नहीं शो किया तो दूसरे साइड से दोस्तों यह मीटर कंटिन्यूटी शो करेगा, देखिए। ठीक है, यही दोस्तों हमारा है, तो ये वाला पिन दोस्तों हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे। किट में भी दोस्तों सिंबल बना हुआ रहता है नेगेटिव पॉजिटिव का, आपको किट दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं यह तीर के निशान वाला, इधर से देखिए दोस्तों हल्का एक डैश की तरह चिन्ह है, यह पॉजिटिव है, और इस साइड तीर के पीछे वाला साइड दोस्तों नेगेटिव है। तो सेम हम दोस्तों वैसे ही इसमें लगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में। अगर उल्टा लगा दीजिएगा तो जल जाएगा यह और काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद दोस्तों इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोस्तों आपको चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों हम इसमें जेनर डायोड लगा दिए हैं, चलिए दोस्तों हम किट चला कर चेक कर लेते हैं पिक्चर, या अब हमारा प्रॉब्लम जो है इसका ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम पिक्चर इसमें चेक कर लेते हैं, हम जेनर डायोड लगा दिए हैं, अब TV स्टार्ट कर देते हैं और DTH और पिक्चर देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया है,
और पिक्चर भी दोस्तों हमारा एकदम साफ हो गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चैनल भी आपको चेंज करके दिखा देते हैं, अब यह प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल सही हो गया है। देखिए दोस्तों, अब हमारा जो सैडो का प्रॉब्लम आ रहा था लाल पिक्चर धब्बा, वह अब लाल पिक्चर धब्बा हमारा नहीं आ रहा है। आगे भी दोस्तों देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों एकदम क्लीन इसका पिक्चर हो गया है। चलिए इसका लाइट भी बढ़ा घटा के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यह एकदम दोस्तों ठीक हो गया है। ठीक है तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।